नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि बहुत सारी लेडीज़ हैं और जेंट्स भी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनके बर्थ चाइल्ड में प्रॉब्लम हो रही है और दिक्कतें आ रही हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं और बेबी बर्थ नहीं हो रहा है सही समय पे। तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन है, वो हम किस तरीके से जानेंगे? तो आज की वीडियो में हमने बताया है कि लोशोग्रिड से आप कैसे जानें कि मिसकैरेजेस, अबॉर्शन और लेट बर्थ बेबी चाइल्ड ये क्यों होते हैं, उसके रीज़न क्या है, आपके ग्रिड में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो ये सब आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चाहे चाहे रेड बटन होगा उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी उसको प्रेस कर दीजिए, नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएंगे। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। जिन किसी को एस्ट्रोलॉजी की क्लास लेनी है, लोशो ग्रिड की क्लासेस लेनी है, प्लीज़ मेल करें और संपर्क करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दी है और आज मैं कुछ आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिससे आप वो कॉम्बिनेशन ध्यान में रखिएगा और आपको पता चल जाए कि आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। ये दोनों पे डिपेंड भी करेगा, मेल एंड फीमेल दोनों पे भी डिपेंड करेगा। तो ये दोनों पे कंडीशन होनी चाहिए तो बस्ट कंडीशन हो जाती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्ट भी होगी। तो इसमें इस डेट ऑफ बर्थ में हम ये बताते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1993, जिसका ड्राइविंग नंबर 4, कंडक्टर नंबर 3, राहु और गुरु। ठीक है, ये तो गुरु और राहु हो गए, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ गई। अब जब राहु और गुरु का कुंडली में या ड्राइविंग और कंडक्टर नंबर में आपका कनेक्शन बन जाए, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फिफ्थ हाउस हमारा ख़राब हो रहा है, और फिफ्थ हाउस में का जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है, उसकी कोई ना कोई समस्याएं आपको आएंगी, या फिर एजुकेशन से, संतान से, या फिर प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ आपका आएगा, या फाइनेंस की समस्या बनी ही रहेगी। तो लोशो ग्रिड अगर हम क्रिएट करते हैं तो 444333991111 हो जाएगा, बाकी के नंबर 8 5 2 7 6 सब मिसिंग है। तो अब ये लोग हमें यहाँ पे किस तरीके से ये करेंगे कि हमारा लोशो ग्रिड में इनका क्या है, तो ये बताते हैं। अब जैसे इनका पर्सनल ईयर निकालेंगे 2 और एज नंबर 8, तो यहाँ पे चंद्र और शनि का नंबर आ रहा है, तो इस साल का कोई प्रेगनेंसी का कोई भी मैटर नहीं होता, अगर होगा भी तो चाइल्ड नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ मैंने कम्बिनेशन दिए हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है। अब देखिए, अगर संतान के लिए अगर आपको देखना है तो यहाँ पे 3 नंबर 9 नंबर 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर ये सारे नंबर होने चाहिए। अब इनके साथ साथ इनका जो पार्टनर का कनेक्शन भी होना चाहिए वो अपोजिट नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्सनल ईयर और एज नंबर दोनों कम से कम फ्रेंडली हो, तो एक हैप्पी बर्थ चाइल्ड होता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर 1 का 3 बार रिपीटेशन हो जाए और वहाँ पे 3 प्रेजेंट हो, तो भी आपका मिसकैरेज हो जाएगा या लेट बर्थ चाइल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर का अगर 3 बार रिपीटेशन हो जाए, या फिर 111 हो जाए, या 333 हो जाए, या 999 हो जाए, तो भी लेट बर्थ चाइल्ड होगा और यहाँ पे अबॉर्शन वाले भी चांस होते हैं। फिर तीसरा आता है कि अगर यहाँ पे 3 नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीटेशन हो, तो भी आपका चाइल्ड जरूर मिसकैरेज होगा या लेट बर्थ चाइल्ड होगा, या चाइल्ड में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बार 3 बार अगर 4 से ज़्यादा हो, या 2 बार 4 से ज़्यादा हो, 2 बार ही भी 4 हो, तो भी आपका लेट बर्थ चाइल्ड होगा, या फिर आपका 9 1 3 नंबर मिसिंग हो, तो भी बर्थ चाइल्ड में दिक्कत आएगी, और यहाँ पे 6 नंबर है तो भी आपका ये 666 नंबर है तो भी चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होगी। ठीक है, 7 6 नंबर मिसिंग है तो भी चाइल्ड बर्थ की दिक्कत होगी। तो इस तरीके की कई सारे कॉम्बिनेशन होता है। और फिफ्थ लॉर्ड यानी कि अगर जुपिटर तुम्हारा आपका कमज़ोर हो गया, या रेट्रोग्रेड हो गया, या फिर मेलेफिक हो गया, या 3 बार हो गया, या फिर जुपिटर के इसके फ्रेंडली प्लेनेट 3 और 1 अच्छे नहीं हुए, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और अगर 8 और 888 और 999 भी हो गया तो भी आपका लेट बर्थ हो गया, या 888 हो गया, 9 सिंगल है या फिर मिसिंग है, तो भी लेट बर्थ होगा। ठीक है, अगर वीनस 3 बार हो गया, 3 बार हो गया वीनस, और 3 बार 3 हो गया, या फिर 3 बार 3 वीनस 6 नंबर 6 नंबर 3 बार हो गया, और जुपिटर जो है 1 बार हो गया, तो भी आपका यहाँ पे दिक्कत होगा।
मून का 3 बार ट्रिपल बार हो जाना या 4 बार हो जाना लेट बर्थ चाइल्ड का देता है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे कम्बिनेशन बनते हैं तो जिससे यहाँ पे हमारा मिसकैरेज लेट बर्थ और चाइल्ड का होता है। तो दोस्तों ये रही मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। धन्यवाद दोस्तों, हेल्पो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और एस्ट्रोलॉजी इसको सीख रही हूँ लोशो ग्रिड प्लीज़ मैं मेल कर दें, बैचेस स्टार्ट हैं।